तो बेसिकली आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं डेटा कनेक्टिविटी। डेटा कनेक्टिविटी में हमने आपके साथ बाकी चीजें कराई, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि है एमएसक्यूरी। एमएसक्यूरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो फीचर्स मैंने आपके सामने यूज किए थे वो फीचर्स सिर्फ लेटेस्ट एक्सेल में है, और अगर पुराना एक्सेल आ गया वहां पे फीचर्स नहीं है। उसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो कि वीवीए के अलावा हमारे एक्सेल में भी हो सकता है, तो इसको हम यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डेटा कनेक्ट करते हैं, तो डेटा में जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सॉरी फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, फ्रॉम अदर सोर्सेज में माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सेल फाइल, हालांकि एक्सेल वगैरह से भी कनेक्ट की जा सकती है, तो एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करें, देन ओके करें। ओके करने के बाद यहाँ आपका नेविगेशन सिस्टम आ जाएगा, जहाँ पे आपको नेविगेट करके अपने फाइल को चूज करना है जो आपका डेटा फाइल है। यहाँ से आप अपना ड्राइव चेंज कर सकते हो, यहाँ से फोल्डर चेंज कर सकते हो। अब इसमें मैं एक बार देख लेता हूँ कौन सा फाइल है मेरा। पीपल टेबल डैशबोर्ड के ले लेते हैं, इसमें भी एक डेटाबेस होगा। अब जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे तो एक एरर देगा, नो टेबल व्यू, तो आपको ऑप्शन पे जाना है और यहाँ सिस्टम लेवल क्लिक करें। ये फर्स्ट टाइम ही होगा, एक ही बार होगा, हमेशा नहीं होगा, एंड ओके कर। ऐसा करने के बाद यहाँ आप अपने डेटा शीट पे, अब यह बारी आती है कि इसको ऐड यहाँ से कर देंगे तो पूरा कॉलम आएगा। आपको ऐसा लगता है कि कोई कॉलम मुझे नहीं चाहिए तो इसको लेके आप यहां से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो जो कॉलम चाहिए वही कॉलम यहां सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आप नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद यहां आपको सामने दिखेगा कि आप कोई कंडीशन लगाना चाहते हो, कि आपको ओवरऑल चाहिए या कोई कंडीशन लगाना है। जैसे मैं सिटी में जाके मैं करता हूँ कि मुझे सिर्फ इक्वल, कई सारे सिटीज हैं यहाँ पे, या स्टेट है यहाँ पे, स्टेट में जाइए, स्टेट जब सेलेक्ट करेंगे तो यह स्टेट का आ जाता है इक्वल। मुझे सफाई चल रही से डस्ट आ रहा है, इस तरह से हमने इक्वल सीए कर दिया। फिर नेक्स्ट, शॉर्ट करना शॉर्ट, नेक्स्ट, और यहाँ कर दीजिए फिनिश। फिनिश जब इसको करेंगे, इसके बाद ओके करेंगे तो ये डेटा पूरा आएगा, लेकिन सिर्फ सीए का डेटा आ रहा है, दिख रहा है, समझे सर। तो इस तरह से हम अपनी कनेक्शन क्रिएट करते हैं, ओके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तो एक बार सीए हो गया, राइट। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब मैं किसी कनेक्ट डेटा को कनेक्ट करता हूँ तो हमें कभी भी कोई भी सिटी आ सकता है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि मैं चेंज कर सकूँ, क्योंकि तो इसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल है। चलिए उसका भी तरीका हम समझाते हैं। तो एक्सेल फाइल में आते हैं एंड ओके करते हैं। अब मैं यहाँ एफ ड्राइव में आता हूँ, और यहाँ एफ ड्राइव में मैं एक काम करता हूँ, जी में चला जाता हूँ। जी ड्राइव के अंदर, डीए के अंदर एक डैशबोर्ड वन का फाइल है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद उसके डेटा को यहाँ पे ऐड करते हैं, नेक्स्ट। और मुझे इसकी बहुत सारी चीज़ें, इसकी मंथ मान लीजिए, यहाँ जो मंथ है तो मुझे अपने मंथ के हिसाब से चेंज चाहिए, तो मैंने यहाँ पे अप्रैल सेलेक्ट कर लिया है, जैन सेलेक्ट कर लिया, जो भी सेलेक्ट करना चाहो कर सकते हैं, और एक से ज़्यादा कंडीशन भी चूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, और फिर हम यहाँ पे करेंगे फिनिश। फिनिश करने के बाद ओके, एक मिनट में ये यहाँ से यहाँ रख देता हूँ, देन ओके कर दें। तो आप देखेंगे कि आपके पास जो डेटा आ गया वो आपका अप्रैल का आ गया। अब मैं यहाँ कुछ करना चाहता हूँ कि सेलेक्ट मंथ,
मैं यहाँ पे जैन फैब लिखना चाहता हूँ या ड्रॉप डाउन लगाना चाहता हूँ, उस हिसाब से ये मैच होना चाहिए। तो इसके लिए आपको जाना होगा कहाँ पे, डेटा के अंदर क्यूरी एंड प्रॉपर्टीज में। जब क्यूरी एंड प्रॉपर्टीज में करेंगे तो यहाँ खुल के आएगा। तो हैंग हो गया तो बिल्कुल। अब यहाँ पे हमारा क्वेरी नंबर 1 है जो देख पा रहे हैं, इस पर राइट क्लिक करके इसकी हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ डिफिनेशन में आएंगे जहाँ एसक्यूएल क्वेरी लगा हुआ है, दिख रहा है आपको सेलेक्ट। इसमें यहाँ इक्वल टू अप्रैल है। अब इस इक्वल टू अप्रैल में जो सिंगल कोट के साथ जो अप्रैल दिया हुआ है, इस कोट कीजिए डिलीट। और डिलीट करने के बाद इस पर लगाइए क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन में लगाने के बाद आप जैसे ओके करेंगे तो ये आपको पैरामीटर्स के लिए बोलेगा। तो पैरामीटर में सेलेक्ट कर लीजिए इसको, लेकिन साथ में इन दोनों चेकबॉक्स को क्लिक कीजिएगा ताकि वो रिफ्रेश ऑटोमेटिकली होगा। देन आप ओके करेंगे तो ओके करते ही आप देखिए यहाँ पे जैन फाइव मार्च दिख गया। राइट सर, ठीक है सर, यहाँ पे फैप करते हैं, फैप डेटा आ गया। मार्च करते हैं तो मार्च का डेटा आ जाएगा, अप्रैल कीजिए अप्रैल का डेटा आ जाएगा, और यहाँ मई कीजिए, यहाँ आपके सामने मई का डेटा आ गया। तो इस तरह से आप उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो कहने का मतलब कि अगर आपको सिक्वल क्वेरी आ रहा है तो आप इसके अंदर सिक्वल क्वेरी भी लगा सकते हैं। चलिए एक बार सिक्वल क्वेरी को देखते हैं हम कैसे लगाएंगे। हम यहाँ पे ओके किए और हम सेम अपना फाइल लोकेशन में जाते हैं, डेटा सेक्शन, मान लीजिए वी लुक का, ओके और इसमें हम डेटा को सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट। और यहाँ व्यू एडिट क्यूरी दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करते ही आप अपने यहाँ पर अपने सामने देख पा रहे हैं, दिख रहा है। अब मुझे डेटा चाहिए समरी के साथ, समरी, जी हाँ डेटा चाहिए समरी के साथ। मतलब कि मैं यहाँ जब आपके सामने जो डेटा आप देख पा रहे हैं ये पूरा ओवरऑल डेटा, मैं चाहता हूँ कि जोन वाइज डेटा आना चाहिए मेरा। क्या आना चाहिए? जोन वाइज डेटा आना चाहिए और मेरा यहाँ पे क्वांटिटी का जो टोटल है वो आना चाहिए, सोल्ड क्वांटिटी जो है उसके साथ आना चाहिए, चाहे हाँ क्वांटिटी सोल्ड है उसके साथ आना चाहिए। तो यहाँ एसक्यूएल क्वेरी पे जाएंगे तो यहाँ आप अपना पूरा का पूरा क्यूरी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां डिलीट करना शुरू किया, अब मैं इस कोड को एडिट कर रहा हूं। इससे पहले ये पूरा कर दीजिए डिलीट। कि जोन हमारा पहले होना चाहिए, छोटा दिख रहा है ना।
हम कर देते हैं इसको सम सम, और यहां पे लिखते हैं और ये आ गया। यहाँ पे हम ग्रुप बाई GROUP ग्रुप बाई और एक जोन देते हैं। इस तरह का हम जो है लगा सकते हैं। आ गया सर, आप देख सकते हैं डेटा हमारा ग्रुप हो गया इसी के अंदर, टोटल आ गया। अब इस पे आप कैलकुलेशन वगैरह करना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ और चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डे, कुछ और लिखना चाहते हो, क्वांटिटी शोल्ड है, प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट के हिसाब से देख पर आ रहा है, आ रहा है, फिर गड़बड़ हो गए। तो मैं इस बार कंट्रोल जेड कर, नहीं कंट्रोल जेड नहीं हो सकता है क्योंकि तो ग्रुप बाई हो चुका है, तो सिक्कल में जाकर चेंज करना होगा, क्योंकि सिक्कल को ही जनरेट हो चुका है। तो डेटा यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट को यहाँ पे कीजिए डिलीट, ग्रुप बाई प्रॉपर्टी प्रॉफिट एंड डेटा आ गया, इसको भी कीजिए डिलीट। ठीक है, तो इसमें और भी जो सिक्वल क्वेरी वगैरह कर सकते हैं, बाद में फाइनल हुआ तो यहां से आप कर दीजिए यहां रिटर्न टू एक्सेल, तो ये आपका एक्सेल पे आ गया टोटल। और डेटा में कुछ चेंज होता है तो यहाँ आपका रिफ्रेश है, मतलब कि पीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं, आप बिना पीवर्ड के ही आपने यहाँ पे समरी ला लिया। तो इसके लिए आपको सिक्वल क्वेरी आना चाहिए, अगर सिक्वल क्वेरी नहीं है तो प्रॉब्लम। ठीक है,